एवरीवन, दिस इज शिवानी केसवानी। वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आप बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं जीरो से, तो कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्या सही डायरेक्शन होगा, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। कई सारे लोगों के कॉमेंट्स आए थे और इंस्टाग्राम पे भी आपने मैसेजेस किए थे कि कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें, तो ऑलरेडी सारे वीडियोज अवेलेबल हैं मेरे चैनल पे। आपको बस मैं इस वीडियो में सारे वीडियोज का बताने वाली हूँ कि कौन सा वीडियो आपको कहाँ पे मिलेगा, जिससे कि आप आराम से उसको देख के उसको फॉलो कर पाओ। मैंने हर वीडियो में फ्री सोर्सेज बताए हैं, आपको कोई भी पेड मटेरियल खरीदने की जरूरत नहीं है। कई सारे लोगों ने मुझसे ये भी पूछा था कि पेड मटेरियल लें या नहीं लें, तो कोई जरूरत नहीं है। मैंने कभी भी कोई पेड मटेरियल नहीं यूज किया है, सारे फ्री सोर्सेज को यूज करके मैंने एग्जाम्स क्लियर किए हैं। आप अगर मेरे स्कोर्स देखना चाहते हो तो माई स्कोर कार्ड प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, उसमें मेरे स्कोर्स आप देख सकते हो। चलो इस वीडियो में आप बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, बैंक एग्जाम स्ट्रेटजीज 2022। उस प्लेलिस्ट में आपको पहला वीडियो मिलेगा, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फ्रॉम जीरो फॉर बैंक एग्जाम्स। ठीक है, बैंक एग्जाम्स के लिए आप प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट कर सकते हो जीरो से, अगर आपका कोई भी बैकग्राउंड नहीं है तो। तो यहाँ पे मैंने दो मेथड्स बताए हैं, उन दो सिंपल मेथड्स को आपको फॉलो करना है फर्स्ट डे पे, और फिर आगे की प्लानिंग करनी है। तो ये दोनों मेथड्स अगर आप स्टार्ट कर भी चुके हो तो भी अगर आपने नहीं फॉलो किए तो आप बिल्कुल फॉलो करो, क्योंकि इन दोनों मेथड्स को फॉलो करने से आप एग्जाम पहले अटेम्प्ट में क्लियर करने की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा पाओगे। मैंने भी इन दोनों मेथड्स को फॉलो किया था फर्स्ट डे पे, जिस दिन मैंने बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैंने फर्स्ट डे पे पहले इन दोनों मेथड्स को फॉलो करके आगे की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। तो आप इन दोनों मेथड्स को जरूर फॉलो करो। नेक्स्ट वीडियो आपको मिलेगा इंग्लिश स्ट्रेटजी वीडियो, जिसमें मैंने आपको प्री और मेंस दोनों की स्ट्रेटजी बता दी है। बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी बताई है, उस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते हो तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। आप मेरे इंग्लिश के स्कोर्स देख सकते हो, अलग अलग एग्जाम्स में मैंने बहुत अच्छे स्कोर किए हैं सिर्फ इस सिंपल स्ट्रैटेजी को फॉलो करके। तो ये स्ट्रैटेजी आप देख लेना, प्री और मेंस दोनों के लिए ही। थर्ड आपको मिलेगी क्वांट्स की वीडियोस, तो तीन पार्ट्स में मैंने इनको बनाया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने आपको कैलकुलेशन स्पीड और स्पीड मैथ्स पे कैसे काम करना है वो बताया है, और तीसरे वीडियो में मैंने आपको अर्थमैटिक का बताया। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे अर्थमैटिक कैसे करनी है, तो वो अर्थमैटिक वाला वीडियो देख लेना, उसमें मैंने आपको अर्थमैटिक का बेस्ट सोर्स बताया है, कहां से आप अर्थमैटिक के बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। उसके बाद मैं मेंस की वीडियो लेके आऊंगी किस तरीके से आपको आगे प्रिपेयर करना है, पहले आप अपनी अर्थमैटिक के बेसिक कंसेप्ट पे काम कर लो उस वीडियो को देख के। इसके बाद आपको मिलेगा रीजनिंग स्ट्रेटजी वीडियो, उसमें मैंने आपको सारे टॉपिक्स के कौन कौन से वीडियोस आपको देखने हैं, कहां से आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो, वो सब मैंने आपको बता दिया है। तो वो जाके आप वीडियो देख लेना, उसमें सारे फ्री सोर्सेज हैं, ठीक है, कुछ भी पेड मटेरियल आपको नहीं लेना है। नेक्स्ट मैंने आपको जनरल अवेयरनेस का स्ट्रेटजी वीडियो प्रोवाइड किया है, जिसमें सिंपल सोर्सेज दिए हैं मैंने, कोई आपको ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा, ज्यादा लोड नहीं लेना है जनरल अवेयरनेस के लिए, तो वो भी सिंपल सी स्ट्रेटजी मैंने आपको उसमें बताई है। अगला वीडियो आपको मिलेगा आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो पैसेज आता है इंग्लिश में उसको सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच, तो वो आप जाके देख लेना। उस वीडियो में मैंने बहुत अच्छा तरीका बताया कि आरसी को कैसे सॉल्व करना चाहिए। मैं आरसी में हमेशा 90% या 100% स्कोर करती हूँ, तो वो सिर्फ इसी स्ट्रेटजी की वजह से। नेक्स्ट है एडिटोरियल्स कैसे रीड करने, इंग्लिश स्ट्रेटजी में मैंने आपको एडिटोरियल रीड करने के लिए बोला है, तो एडिटोरियल रीड करने का सही तरीका क्या होता है, उससे रिलेटेड जितने डाउट्स होते हैं वो मैंने उस वीडियो में कवर किए हैं, तो वो वीडियो आप देख लेना। नेक्स्ट आपको एक और प्लेलिस्ट मिलेगी नो माई मेथड्स करके, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगी, या फिर आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके नो माई मेथड्स प्लेलिस्ट पे क्लिक करना, तो आपको उसमें मेरा डेली रूटीन वीडियो मिलेगा। कि कई सारे लोग बोल रहे थे कि मैम आपका डेली रूटीन क्या था, आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे, तो वो सब मैंने उस वीडियो में कवर किया है कि मैं कितने घंटे पढ़ाई करती थी बिगिनिंग से, ठीक है, कब मैंने जब स्टार्ट किया था तो कैसे पढ़ाई करती थी मैं, वो सब मैंने उस वीडियो में कवर कर लिया है। उस वीडियो को देख के ही अपना टाइम टेबल एडजस्ट करो, आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाओ और उसको रेगुलरली फॉलो करो। नेक्स्ट मैंने एक वीडियो उसमें डाल रखा है सक्सेस मंत्रा, मेरा क्या सक्सेस मंत्रा रहा, मैंने कौन सी वो एक चीज फॉलो की जिसकी वजह से मैं इतने सारे एग्जाम्स क्लियर कर पाई, उस एक चीज को जानो समझो और कैसे फॉलो करना है, वो सब मैंने उस वीडियो में बताया है, तो वो वीडियो जाके आप देख लेना। उसके बाद आपको एक वीडियो मिलेगा कि कैसे आप मोटिवेटेड रह सकते हो, डेली कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि डेली प्रिपेयर करना बहुत हार्ड होता है, डेली वही वही सब्जेक्ट्स पढ़ना बहुत बोरिंग लगता है, तो कैसे आप उसको कंसिस्टेंसी के साथ कर सकते हो, वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बताई हैं कि आपने अपना डेली रूटीन तो बना लिया, अब उसको फॉलो कैसे करना है
वो मैंने उस वीडियो में बताया, तो वो वीडियो देख लेना। बाकी क्वांट्स और रीजनिंग की मेन स्ट्रेटजी मैं लेके आऊंगी कि मेंस एग्जाम की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। प्री की मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, इंग्लिश की प्री और मेंस दोनों की है, और जनरल अवेयरनेस की ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। और कुछ अच्छे सोर्सेज मिलेंगे तो वो जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो, वहां पे आप अपने क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करती हूँ आपको, और आपके जो भी डाउट्स होते हैं वो सब क्लियर करती हूँ वहां पे। टेलीग्राम पे जुड़ जाना, वहां पे मैं अपनी अपडेट्स वगैरह देती रहती हूँ, डेली एक मोटिवेशनल कोड डालती हूँ जिससे आप मोटिवेटेड फील करो, सुबह एनर्जाइज वे में अपनी स्टडीज को स्टार्ट करो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। मैं आपके साथ हूँ। और भी वीडियोस जो भी चाहिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, सारे सब्जेक्ट्स पे मैं वीडियोस बना के डालने की कोशिश करूंगी। बाकी अब चलते हैं, ठीक है, इस वीडियो को इतना ही रखेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।